हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो आज हम करेंगे जरा रिकैप हमारा जो टेक्स्ट बुक का मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 का हम एक शॉर्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, जो आपको इंटरेस्ट में काम आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उस लेक्चर के लिए। अगर किसी ने हमारा पूरा वीडियो मिस किया है तो आपको सब समझ में आएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है, एक्चुअली चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ इंडक्शन में उसे हम इसमें एक केस कंसीडर करते हैं जो कि पी एन इज ट्रू करके फॉर्म करते। ठीक है, जब ये पी एन इज ट्रू होता, मतलब द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सच अ रिजल्ट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल। जब हम पी एन इज ट्रू करके जब हम प्रूव करते थे, एक प्रिंसिपल फॉर्म होता है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो उसे देखने के लिए चार स्टेप है। स्टेप वन है जो कि हमारा फाउंडेशन, इसमें हम क्या करते हैं, पुट एन इक्वल टू वन पुट करते। ठीक है, एन को वैल्यू वन पुट करते और उसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फॉर्म करते। स्टेप टू में क्या करते हैं, हम एज्यूम करते कि एन का वैल्यू इक्वल टू के करके एज्यूम करते। स्टेप थ्री में हम पुट एन इक्वल टू लिखते हैं के प्लस वन। एंड जो स्टेप फोर में है, हम लिखते हैं, ये सारे प्रूव हो गए तो हम लिखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर द डैश डैश वैल्यू। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में आपको इतना ही करना है कि फाउंडेशन निकालना है, एज्यूम निकालना है और एन इक्वल टू के प्लस वन स्टेप फोर। ठीक है, अभी ये सब क्या है हम एक्सरसाइज जब सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो चलो जब बढ़ते लगे सम की तरफ। तो जो पहला सम दिया है एक्सरसाइज में, पहला सम जो कि दिया है कि टू प्लस फोर प्लस सिक्स अप टू द प्लस टू एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या करना है कि हमें बोला है मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या करते हैं, पी एन इज ट्रू करते। तो हम लिखते फिर लेट पी एन इक्वल टू टू प्लस सिक्स अप टू द टू एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप वन है, स्टेप वन क्या करते हैं, हम एन का वैल्यू वन पुट करते, पुट एन इक्वल टू वन। तो जब एन इक्वल टू वन आएगा तो एल एच एस में क्या आएगा, जिधर एन है वही कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल एन किधर टू एन आ रहा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, जिस इक्वल टू इंटू वन विच इज टू। एन आर एच एस में देखे तो एन इंटू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन इंटू वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो इसके हिसाब से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया प्रूफ। सेकेंडली हम करते हैं कि एज्यूम करते एन इक्वल टू के करके। ठीक है, तो क्या आएंगे इधर, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस अप टू द टू के इक्वल टू के इंटू के प्लस वन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन कंसिडर करते, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, इसका कुछ करना नहीं है, ये स्टेप थ्री में काम आता है, इसके लिए ऐसे ऐसे रहने दो इसे। जो स्टेप थ्री है हमारा
उसमें क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस वन पुट करते. तो क्वेश्चन में अगर n की जगह हम k प्लस वन पुट करते तो हमें मिलेगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू द 2 इंटू के प्लस वन. तो k प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे. ठीक है, हमें LHS कंसीडर करना है, हमें प्रूफ करना है ना LHS इक्वल टू RHS. तो पहले LHS कंसीडर करते हैं, देखते क्या आता है. तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 2k प्लस 1. ठीक है, तो आपको इसके बाद क्या याद रखना है कि आपको ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, आपको इधर यूज़ करना है. कैसे यूज़ करना है कि जो 2k प्लस 1 है उसके पहले आपको ये लिखना है. इतना क्या लिखना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू द प्लस 2k, फिर ये एस इट इज 2k प्लस वन. ठीक है, अभी 2k काय को लिखा मैंने, बिकॉज अगर हम देखें हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 अप टू द एन. ठीक है, अप टू द एन, एन के बाद क्या आता है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, सेम है ना. इस हिसाब से ये भी के प्लस वन, के प्लस वन के पहले क्या आएगा, k आएगा ना, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या मिला हमें, k इंटू के प्लस वन, जो कि हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना सा नोट डाउन कीजिए. मुझे पता है बहुत से जिन पहले भी कर चुका है, तो भी एक रफ कॉपी इसका नोट डाउन कीजिए. ठीक है, ठीक है. हाई ऑफ सभी ने नोट डाउन कह रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू उसका, ठीक है, LHS इक्वल टू, हमें k तक का वैल्यू पता है, k का वैल्यू कितना था, k इंटू के प्लस टू, k था k, k इंटू के प्लस वन प्लस 2 इंटू के प्लस वन. ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन वन. ठीक है, तो हम इसको अभी क्या कर सकते हैं इधर कि इधर देखो तो के प्लस वन कॉमन है. ठीक है, के प्लस वन कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिखेंगे. तो बच्चा क्या, के प्लस टू. ठीक है, तो ये नथिंग बट दिस इज इक्वल टू RHS. कैसे RHS, देखो RHS में क्या है हमारा, RHS में है के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन. तो के प्लस वन, वन प्लस वन इज टू, तो के प्लस टू इज इक्वल टू RHS. ठीक है, हमें एज प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये हो गया. देयरफॉर वी कैन राइट PN इज ट्रू फॉर N इक्वल टू के प्लस वन. ठीक है, ये लाइन लिखना है क्योंकि इसको मार्क्स है. एंड लास्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 4, हम इसको नाम भी लिखते हैं, स्टेप 1 को, स्टेप 1 को हम फाउंडेशन लिखते हैं, स्टेप 2 को एजम्पशन लिखते हैं, स्टेप 3 को सक्सेशन लिखते हैं, एंड स्टेप 4 को इंडक्शन लिखते हैं. बट आपको जब सम सॉल्व करना है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको बस डायरेक्ट स्टेप लिखना है. तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑल अबव स्टेप्स बाय प्रिंसिपल ऑफ
by principle of mathematical induction, Pn is true for 2 plus 4 plus up to the 2n is equal to n into n plus 1. Question as it is likhna hai, for n is belongs to natural number. ठीक है, इतना सा लिखना है, बहुत सिंपल सा. मैं आगे किसी को इसमें भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए. ठीक है, कोई डाउट इसे इसमें? ठीक है, इसी टाइप का एक सेकेंड सम करेंगे हम, जो कि ज़रा अलग है. ठीक है, ज़रा सिमिलर नहीं है. ठीक है, तो फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए, फिर उस सम पे बढ़ेंगे हम. आई होप सभी को समझ में आ रहेगा. तो जो सेकेंड सम है, देखिए इसमें तो हमें देखो कैसे लिया था, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n तक इधर तक दिया था. ठीक है, तो सेकेंड सम है उसमें हमें इसका वैल्यू नहीं दिया, तो पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एज इट इज़ सॉल्व करना है. ठीक है, तो जो सेकेंड सम बोला है कि हमें कि 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस अप टू द n terms which is equal to n into 2n plus 1. ठीक है, हमें ये दिया है. अभी इधर देख लो, n terms दिया, हमें उसका वैल्यू नहीं दिया है. तो जब ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे कि हम इसमें पहले n का टर्म्स निकालेंगे. ठीक है, तो n टर्म्स अगर हम देखें तो हमने प्रोग्रेशन में पढ़ा है कि n टर्म्स का वैल्यू कैसे निकालते. n टर्म्स का वैल्यू हम tn से डिनोट करते. ठीक है, api gpi hp. तो पहले देखेंगे हम ये कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अभी हम देखें तो देखो 7 माइनस 3 करें तो 4 आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आएगा. तो मतलब माइनस मतलब डिफरेंस करिए, डिफरेंस वर्ड किस में आता है, एपी में आता है, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसका मतलब इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करना है. तो वी नो दैट 3,7 आर इन एपी. ठीक है, तो ए का वैल्यू आएगा 3, डी का आएगा 4, डी मतलब डिफरेंस. ठीक है, तो वी नो डैट फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, तो ए क्या है हमारा 3, एन का पता नहीं कुछ, एन माइनस 1, डी है हमारा 4. सो 3 प्लस 4 इंटू एन माइनस 4, सो 4n 3 माइनस 4 इज माइनस 1. तो हमें n का वैल्यू मिला, n टर्म का वैल्यू मिला, जो कि है 4n माइनस 1. तो इसे हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. ठीक है, तो एज इट इज़ लिखेंगे, लेट pn इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस अप टू द एन टर्म्स की जगह हम लिखेंगे 4n माइनस 1 इज इक्वल टू एन इंटू 2n प्लस 1. ठीक है, अभी ये आया इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आया तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स यूज़ करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 है जो कि हम यूज़ करते हैं पुट n इक्वल टू 1 करके. तो जो n का टर्म है हम उसको कंसीडर करते हैं, जो LHS में क्या है वो 4n माइनस 1 आएगा. तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3. RHS देखे तो n इंटू 2n प्लस 1 जो कि आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 जो कि ऑल्सो इक्वल टू 3.
So we can write LHS equal to RHS. ठीक है, तो इसका मतलब PN is true for N equal to 1. जो सेकेंड स्टेप है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या दिया है कि हम एज्यूम करते हैं N equal to K करके, ठीक है, एज्यूमिंग N equal to K, तो क्या आएगा 3 plus 7 plus 11 plus up to the 4K minus 1 into K into 2K plus 1. इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1. स्टेप 3, पुट N इक्वल टू K plus 1, तो क्या आएगा 3 plus 7 plus 11 plus up to the K plus 1 है, तो 4 into K plus 1 minus 1 इक्वल टू K plus 1 ब्रैकेट में 2K plus 1 plus 1. ठीक है, तो पहले हम LHS कंसीडर करते हैं. तो LHS में क्या है हमारा 3 plus 7 plus 11 up to the 4K plus 1 minus 1. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि हम इससे पहले हम सेकेंड स्टेप भी यूज़ करते हैं. तो सेकेंड स्टेप मतलब इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले ये वाला टर्म आएगा, इसके बाद ही ये टर्म आएगा. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू द ये वाला टर्म 4K माइनस 1, फिर ये वाला टर्म प्लस 4 इंटू के प्लस 1 तो माइनस 1. ठीक है, तो ये वाला टर्म का वैल्यू पता है हमें क्या है, दैट इज़ के इंटू टू के प्लस 1. तो हम लिखेंगे के इंटू टू के प्लस 1, और ये क्या है 4 प्लस 4K प्लस 4 माइनस 1. ठीक है, तो हम इधर क्या कर सकते हैं, और कि अगर देखो तो इधर क्या आएगा 2K स्क्वायर प्लस K, उधर आएगा 4K प्लस 3. तो K प्लस 4K क्या आता, K प्लस 4K इज नथिंग बट 5K, 5K प्लस 3. अभी ये क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. ठीक है, क्या बना वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकालते, हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि 2K स्क्वायर प्लस 5K प्लस 3 इक्वल टू 0. हमें पता है देखो 3 इंटू 2 करते हैं हम तो आएगा 6, ऐसा दो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आना मांगता है और एडिशन किया तो 5 आना मांगता है, डैट इज 3 इंटू 2. तो हम लिख सकते 2K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 2K प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इधर K कॉमन आएगा, K कॉमन निकला तो क्या आएगा इधर 2K प्लस 3, एंड इधर क्या कॉमन निकलेगा 1 निकलेगा कॉमन, 2K प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट 2K प्लस 3 एंड K प्लस 1. ठीक है, तो इसका LHS का वैल्यू क्या है, LHS आया 2K प्लस 3 इंटू के प्लस 1. तो इसको इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो RHS को कंसिडर करते. RHS में क्या था हमारा, K प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आएगा K प्लस 1 2K प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 2K प्लस 3. सो दिस इज नथिंग बट हमारा LHS. सो यू कैन राइट LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर N इक्वल टू K प्लस 1. एंड स्टेप नंबर 4 आपको पता है क्या लिखना है, कि फ्रॉम ऑल अवर स्टेप्स वी कैन से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन जो हमें क्वेश्चन दिया है वो प्रूव होता है, मतलब ट्रू होता है. ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया रहेगा. ठीक है,
इसी तरह का सम है, थ्री फोर मैं वो सब लेंगे नहीं, बिकॉज सम पहले भी कर चुका है, ठीक है। तो मैं ऐसा वाला सम्स चूज करूँगा जो बाकी वाला सम जो सेम रहते, ठीक है। तो इसी तरह का है बाकी का जो सम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक अप टू नाइन तक पूरा ऐसे सेम है, बस लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते रहे टेंथ वाले क्वेश्चन में। तो टेंथ देखे तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ सेम ही है, तो मैं टेंथ करता हूँ, बाकी का आपको होमवर्क के थ्रू करना है, ठीक है। तो पहले ऐसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने से नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते रहे टेंथ वाले सम पे तरफ, ठीक है। तो टेंथ वाले सम में क्या दिया है कि 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 करके बोला, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 7। हमें प्रूफ करना है कि 2 रेस टू 3 एन माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। तब आपको ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 7 होने के लिए वो मल्टीपल भी ऑफ 7 ही रहना मांगता हो। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं कि लेट पी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस टू एन माइनस 1 इक्वल टू 7, और कुछ मल्टीपल रहेगा, जैसे 7 1 सा, 7 2 सा, तो कुछ भी रह सकता है, 1 2, तो हमें पता नहीं कौन सा है, तो हम लिखेंगे m उसको, ठीक है। सो डिविजिबल होने के लिए वो मल्टीपल होना मांगता है, ज़रूर रहते, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में, और जो m है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, वी गेट LHS इक्वल टू 2 रेस टू 3 इंटू 1 माइनस 1, जो कि 2 रेस टू 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, एंड आर एच एस में जो है 7m है, ठीक है। तो m का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो m का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो क्या आएगा, 7 into 1 विच इज इक्वल टू 7, सो विच कैन बी प्रूव एज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्टली वी कैन डू, विल हम लिख सकते कि पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, हम पुट करते हैं n का वैल्यू इक्वल टू k, तो क्या आएगा, 2 रेस टू 3 के माइनस 1 इक्वल टू 7, m है, m के जगह हम सपोज a लिखेंगे, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो a लिखेंगे, ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं कि 2 3 2 3 के इक्वल टू 7a+1, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने स्प्लिट क्यों किया आपको आगे समझ में आएगा। नाउ जो स्टेप 3 है इसमें लिखते हैं हम n=k+1, तो क्या आएगा 2 3 k+1 -1=7। अभी हम क्या लिखेंगे, जो हमारा m है, ठीक है, m का जो हम सपोज b है अज्यूम करके, ठीक है, अगेन अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम पहले LHS कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब तक समझ में आया ना। ठीक है, तो पहला हम LHS देखेंगे क्या है। LHS में बोला है कि 2 2 k+1 -1, ठीक है, तो क्या आएगा 2 3 k+3 -1, विच कैन बी रिटर्न एज 2 3 k × 2 3 -1। ठीक है, ये इंडाइसिस रूल, बाय यूजिंग इंडाइसिस रूल क्या है हमारा, अगर m^a + m^b रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं, सॉरी m × इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं m × a+1 a+b। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसको पैसे देते हैं। अब 2 3 के हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू निकाला, इसके लिए मैंने 2 3 के लिखा, तो क्या उधर 7a+1 × 2 3 = 8 -1। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 56a + 8 - 1 = 56a + 7। ठीक है, तो अगर हम इधर 7 कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 8a+1। तो सपोज ये कौन सा भी एक टर्म रहेगा, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा है, तो इज इक्वल टू 7, कौन सा भी एक वेरिएबल सपोज इजेड लिखा मैंने, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू आर एच एस में क्या है हमारा 7b, तो 7 7 मैच हो रहा है, और b मतलब कौन सा भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, इधर भी इजेड कौन सा भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, इसी से हम लिख सकते हैं कि LHS = RHS। एंड स्टेप 4 आपको एज इट इज लिखना है, इससे पहले हम लिखेंगे PN is true फॉर n = k+1। ठीक है, एंड स्टेप 4, फ्रॉम ऑल अवर स्टेप्स वी कैन से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन का एज इट इज लिखना है। ठीक है, PN is true करके लिखना है उसमें। ठीक है, इधर समझ में आया इतना, अगर फिर से किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, इसी तरह आपको सब मिलेगा 11 12 13 भी। ठीक है, तो आपको ट्राई करना सॉल्व करना हो। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप याद रहेंगे ना आपको, तो फिर सब समय याद रहेगा। ठीक है, बस आपको स्टेप याद रखना है। ठीक है, आया हो, सबको समझ में आ रहेगा। ठीक है, तो मुझे वो जो ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 16 वाला उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे क्या है,
कि बोला है प्रूफ बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, ये जो कि होमवर्क के लिए दिया था मैंने, 1021n इक्वल टू मैट्रिसेस के रूप में दिया है, तो 1021 वे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये साइन है फॉर ऑल का, ठीक है, उल्टा a मीन्स फॉर ऑल, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें प्रूव करना है ये बाय मेथड ऑफ इंडक्शन से, ठीक है। तो हम पहले अज्यूम करेंगे लेट पी एन इक्वल टू 1021 रेस टू एन इज इक्वल टू 1021, ठीक है। तो स्टेप वन, पुट एन इक्वल टू वन, तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो LHS में अगर डालेंगे 1021 रेस टू वन, ठीक है, एन का वैल्यू वन, एनी रेस टू वन इज नथिंग बट एज इट इज आएगा 1021, ठीक है। अगर RHS देखिए, तो RHS में अगर देखिए तो 2n1 आएगा विच इज इक्वल टू 102 into 1 2 एंड 1 जो कि हो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी कैन राइट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ स्टेप नंबर 2 जो कि एज्यूम करते हैं हम, स्टेप 2 n इक्वल टू k पुट करते, तो क्या मिलेगा हमें 1021 रेस टू के इक्वल टू 102k+2k1। सो हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड स्टेप 3 हम डालते n इक्वल टू, पुट n इक्वल टू k+1। तो जब n इक्वल टू k+1 आएगा तो क्या आएगा इधर कि 1021 रेस टू के प्लस वन इक्वल टू 102k+1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो LHS लेंगे पहले, तो LHS में क्या है 1021k+1, ठीक है, इट इज इंडाइसेस में, ठीक है। तो इंडाइसेस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1021 इन रेस टू के इंटू 1021 इंटू वन रेस टू वन मीन्स वही चलेगा, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू दिया है इसका फ्रॉम इक्वेशन 2k1 इंटू 1021, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, मैट्रेसेस का मल्टीप्लीकेशन। आपको पता रहेगा मैट्रेसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले देखेंगे हम कौन सा ऑर्डर है। देयर आर टू रोज टू कॉलम एंड टू रोज टू कॉलम, मतलब इधर मल्टीप्लीकेशन होता है जो कि टू और टू है, ठीक है। जब इसका कॉलम और जब इसका रो सेम रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑकर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के पहले आएगा वन, ये जो वन है पहला का रो और सेकेंड का कॉलम लेना है, ठीक है। तो 1 into 1 इज 1 प्लस 2k into 0, ठीक है, पहला कॉलम हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड कॉलम को क्या करना है, तो 1 into 2 इज 2 प्लस 2k, ठीक है, समझ में आया। हमने मैट्रिसेस में देखा है ऐसा मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले पहला रो फिर कॉलम लेना है, फिर से रो लेना है, फिर सेकेंड कॉलम लेना है, ठीक है। और इधर पहला फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 इज 0 एंड 1 into 0 इज 0, 0 into 2 इज 0 प्लस 1, तो क्या मिलेगा इधर आंसर 10। तो अगर 2 को हम कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा 2k+1 एंड 1, दैट इज नथिंग बट आवर RHS। अगर RHS देखे तो वही चाहिए, ठीक है, RHS देखो 102k+1 102k+1 and 1, सो वी कैन राइट k+1 इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर k+1 n इक्वल टू k+1।